सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को WWE की कुछ अपडेट्स देने वाले हैं। भाई पहली जो अपडेट है वो ब्रॉक लेसनर के बारे में है कि ब्रॉक लेसनर पिछले 5 सालों में एक भी रेसलमेनिया में मैच नहीं जीते हैं। आखिर में वो 2018 में रेसलमेनिया 34 में जीते थे रोमन रेंस के सामने। तो भाई मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर की ये 5 सालों की जो हारने की स्ट्रीक है वो ट्रिपल एच को तोड़ देनी चाहिए और इस रेसलमेनिया में ओमोस के सामने उनको जो विक्ट्री दे देनी चाहिए। तो भाई आई होप कि ट्रिपल एच इस रेसलमेनिया में ओमोस के सामने ब्रॉक लेसनर को विक्ट्री दे दे। तो भाई अगली जो अपडेट है वो है हमारे ब्रे वाइट के बारे में। और आप जानते हैं कि 2-3 हफ्तों से ब्रे वाइट शोज पे नहीं आ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में WWE का एक लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ पे एले नाइट और ब्रे वाइट का मैच एडवर्टाइज था, लेकिन वहाँ पे एले नाइट और ब्रे वाइट का मैच नहीं हुआ। तो भाई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रे वाइट यहाँ पे अपने कुछ पर्सनल मुद्दे के कारण लाइव इवेंट पे कम्पीट नहीं किया था, उनके जहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन ने यह मैच लड़ा था। तो भाई आई होप कि ब्रे वाइट अब शो पे वापस आ जाएं और वो भी लेस्ली के साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें। तो भाई अगली जो अपडेट है वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। और आप जानते हैं कि रोमन रेंस का जो रेन है वो 900 दिनों से भी ज़्यादा का हो चुका है और WWE में अभी कोई भी नहीं बचा है जो रोमन रेंस के सामने मैच कर सके। तो भाई सवाल ये उठता है कि जो रोमन रेंस का जो हिस्टोरिक रेन है 900 दिनों से भी ज़्यादा का, वो कौन सा सुपरस्टार इसको तोड़ेगा। अंडरटेकर ने इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने 2 नाम लिए हैं, एक का नाम है सेमी जेन और दूसरा है कोडी रोड्स। तो भाई ये बात तो आप जानते हैं कि सेमी जेन एलिमिनेशन चैम्बर में मैच कर चुके हैं और उनसे तो ये स्ट्रीक नहीं टूटी, और कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई अगली जो अपडेट है वो ब्रॉक लेसनर के बारे में। और आप जानते हैं कि रेसलमेनिया 39 में उनका मैच ओमोस के साथ होने वाला है। तो भाई रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस, ये मैच ओरिजिनल प्लान था ही नहीं WWE का। WWE का जो ओरिजिनल प्लान था वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच करना, लेकिन जो प्लान था ब्रॉक लेसनर और गुंथर के मैच का ये तो दिसंबर में ही कैंसिल कर दिया गया था। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।